तो ये देख सकते हैं J2 जो कि पुराना मॉडल है, और इसका जो FRP आ गया है, और ये तीर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं ये नेक्स्ट बटन हाइट हो चुका है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक वाईफाई को कनेक्ट कर लेने का, जैसे मेरे पास एक वाईफाई है वो कनेक्ट कर लिया, देख सकते हैं पासवर्ड डाल दिया वाईफाई का, कनेक्ट होगा अभी, तो देख सकते हैं कनेक्ट हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट बटन में जाके नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, देख सकते हैं ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पीछे आना पड़ेगा, पीछे आने के बाद ये दो फिंगर आपको एक साथ में ऐसा यानी कि टच करके रखने का, दो फिंगर, दोनों उंगलियों से एक साथ में टच करके रखने का। तो ये टॉक बैक ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा, तो क्या करने का आपको, ये होम बटन है एक साथ में तीन बार प्रेस कर देने का, ये देख सकते हैं टॉक बैक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एल कर देने का, टॉक बैक ओपन होने के बाद तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये भी नहीं ले रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको ही दोबारा ट्राई करने का, एक साथ में दो उंगली प्रेस करके। तो देख सकते हैं ऑन हो गए, और एल ऐसा एल डालने का, और उसके बाद टॉक बैक सेटिंग में क्लिक करने का, डबल टाइप करने का ऐसा एक साथ में, और दो उंगलियों से उसको ऊपर लेके जाने का, सबसे नीचे आने का, और ये जो ये वाला आइकन है इसमें क्लिक करने का दो बार, ऐसा दो बार क्लिक करने का, और उसके बाद डायरेक्ट आपका पास जो है क्रोम वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें नो थैंक्स कर देने का, और अभी ये जो टॉक बैक है इसको बंद करने के लिए ये होम बटन को तीन बार प्रेस कर दो, ये जो टॉक बैक डिसेबल हो जाएगा। तो टॉक बैक डिसेबल होने के बाद आपको ऊपर में सर्च बार में लिखना है VPN और VPN रूम में क्लिक करने का, और देख सकते हो फर्स्ट वाला जो लिंक है उसमें आपको टाइप करके ओपन कर लेने का लिंक को, और उसके बाद ये सेटिंग दिख रहा है, ये सेटिंग को आपको क्लिक कर देने का सेटिंग में, और उसके बाद आपका फ़ोन का जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा। देख सकते हो फ़ोन का जो सेटिंग है ओपन हो जाएगा, और नीचे आने के बाद आपको अबाउट डिवाइस में क्लिक करने का, और इसका जो वर्जन है वो देखने का 5.1, ये जो है इसको आपको ऐड रख लेने का, अभी पीछे आ जाने का, और पीछे आने के बाद आपको नीचे इसको लेके आएगा, तो इसका जो 5.1 दिख रहा है ये वाला एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेने का। तो ये ऐड आ जाएगा, ऐड आएगा तो आपको इसमें कैंसिल कर देने का ऐड को, और दोबारा आपको ये जो 5 वाला इसमें है इसमें क्लिक कर देने का, और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। नेट बहुत स्लो है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आपको ओके करने का, और डाउनलोड होने के लिए आपको लगाने का डाउनलोड पे, और एक आपको नीचे दिख रहा होगा जो कि FRP का है, देख सकते हैं जो FRP बाईपास, इसमें आपको प्रेस करके इसको भी डाउनलोड कर लेने का।
जो इंटरनेट है वो बहुत स्लो चल रहा है। और एक बार क्लिक करेंगे हम, देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है या नहीं। डाउनलोड तो देख सकते हैं, एक तो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। तो अभी दोबारा जाके जो FRP बाईपास APK, इसमें क्लिक करके इसको ओपन कर लेने का। ये इतना स्लो चल रहा है, ये दोबारा रिफ्रेश कर लेता है एक बार। और नीचे दोबारा आने का और FRP बाईपास APK इसमें क्लिक कर देने का। और आपको इसको भी डाउनलोड कर लेने का। तो डाउनलोड का ऑप्शन अभी आएगा, नेट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये इंटरनेट का वजह से कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आपको 2-3 बार ट्राई कर लेने का। तो बहुत स्लो चल रहा है यार, इसके लिए माफ़ी मांगना। बहुत स्लो चल रहा है तो अपन सेटिंग ओपन करके इसका जो वाईफाई है वो दूसरा फ़ोन से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो वाला वाईफाई में काम नहीं कर रहा है। तो मेरे पास दूसरा एक फ़ोन है, वो फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन किया और इसको अभी दूसरा फ़ोन से कनेक्ट करेगा। तो देख सकते हैं अभी जो वाईफाई है दूसरे में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अपन बैग जाके दोबारा इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। आ गया। अभी आपको नीचे जाके जो ये एप्लीकेशन है तो डाउनलोड हो गया ऑलरेडी। और आपको नीचे आने के बाद जो FRP बाईपास इसमें क्लिक कर देने का और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेने का। और देख सकते हैं ये भी डाउनलोड हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 डॉट में क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करने का और सबसे पहले जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसको इंस्टॉल कर देने का। देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये देख सकते हैं ये डन हो गया, तो डन कर देने का। और अभी बाईपास FRP बाईपास एप्लीकेशन को ओपन करने का और ये अनचेक होगा, इसको चेक करने का, इंस्टॉल कर देने का। देख सकते हैं ये ओपन बोल के लिखा रहा है राइट साइड पे, तो आपको ओपन कर लेने का। और ओपन होने के बाद आपको ये ऊपर में 3 डॉट में क्लिक करने का और इसमें क्लिक कर देने का। अभी आपको कोई भी एक फ़ोन का ईमेल आईडी चाहिए, या आपका फ़ोन का हो या दूसरे का हो, तो एक ईमेल आईडी चाहिए जस्ट इसको ओपन करने के लिए। तो ये इधर आपको ईमेल आईडी फिल कर देने का। तो मैं एक ईमेल आईडी इधर फिल कर रहा है, तो देख सकते हैं मैं एक ईमेल आईडी इधर टाइप कर दिया जो कि मेरा है। और उसके बाद नेक्स्ट कर देने का और ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो इधर टाइप कर देने का। तो सिंपली मैं ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो टाइप करता है। और देख सकते हैं पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद आप उन्होंने कर दिया कंटिन्यू। और उसके बाद अपना फ़ोन जो है साइनिंग हो रहा है। हो गया अपना काम, बस इतना ही था। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोन पूरा पीछे आ जाने का, पीछे लेके आने का, पूरा बैक कर देने का। और उसके बाद तीर वाला आइकन में क्लिक करने का, दोबारा नेक्स्ट में क्लिक करने का।
नेक्स्ट एक्सेप्ट, दोबारा नेक्स्ट में क्लिक करने का, नेक्स्ट स्किप कर देने का, मोर मोर नेक्स्ट, दोबारा नीचे स्किप कर देने का और फिनिश में क्लिक कर देने का। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना आसानी से 10 मिनट के अंदर ये जो फ़ोन है अनलॉक हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा और उसके बाद अच्छे से ये जो जो किया है वो देख के आपका जो फ़ोन का जो FRP है वो बाईपास कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर दोनों कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।